साहब दोस्तों, आज के वीडियो में मेरी विजिट है कृषि एक्सपो 2023 जो कि 18, 19, 20 फरवरी हिसार में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ मेरी विजिट है सोनालिका पॉइंट पे। तो यहाँ मैं खास ट्रैक्टर आपको दिखाने वाला हूँ। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे मिलते हैं और जानते हैं प्रोडक्ट। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं हरियाणा में सर्विस देखता हूँ। आज हमने किसान जो हिसार में किसान कृषि मेला जो लगा रखा है, यहाँ पे हमने 60 हॉर्स पावर का CRD ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है। इसमें कुछ टेक्निकली जो हमारे फीचर इसमें दिए हुए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सर पहले से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आज एक काफी ट्रैक्टर बना हुआ है, हर किसान इच्छुक है, हम भी जो CRDI वाला टेक्निक वाला। जी जी जी, पहले आप एक बार थोड़ा CRDI टेक्निक के बारे में बताएंगे। सर एक्चुअली क्या होगा की अभी ना गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 हॉर्स पावर से जितने भी ऊपर ट्रैक्टर जाएंगे सभी CRDI टेक्नोलॉजी के साथ में आएंगे। इससे पहले क्या होगा कि मैं थोड़ा प्रीवियस में जाना चाहूंगा, पहले नॉन DI ट्रैक्टर आते थे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हुए थे, उसके बाद DI आया। DI के जैसे नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं तो अभी CRDI टेक्नोलॉजी आ रही है। CRDI टेक्नोलॉजी क्या है, ये ना पॉल्यूशन को कम करती है। अब इसमें हमने जो ट्रैक्टर निकाला है, अभी हमने 3 मॉडल निकाले हैं, DI-7 टाइगर साथ में, DI-65 टाइगर के साथ में, DI-75 टाइगर के साथ में। ये ऑप्शन रहेगा 4-wheel drive और 2-wheel drive के साथ में। सर हमारे पास ये तो प्रोडक्ट हमारा टाइगर DI साथ। जी जी सर, इसके स्पेसिफिकेशन बताएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रैक्टर जो है अपना 7 HP की कैटेगरी में रहेगा, 47 से 12 CC 4 सिलेंडर में। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने मोड भी दिया हुआ है, अभी इस ट्रैक्टर को आप 48 HP का बनाना चाहते हो 48 HP का बन जाएगा, 50 HP का काम लेना चाहते हो 50 HP का। सर मैं चीज दिखाता हूँ आपको, क्या है कि यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है हम लोगों ने, कई बार क्या ये देखो यहाँ पे आपको ई मिलेगा, एन मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है सर, इको मोड है, इको प्लस मोड है, पावर मोड है, ये 3 मोड हमने दिए हुए हैं आपको। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कस्टमर ट्रैक्टर को फ्लिप में लेके जाता है उस टाइम पे उसको खाली ट्रैक्टर लेके जाना होता है, और जब खाली ट्रैक्टर जाएगा तो फ्यूल कंजेशन उस कस्टमर को कम चाहिए, वहाँ पे उस 48 हॉर्सपावर में भी काम चल सकता है। इसलिए हम यहाँ पे जो मोड करेंगे वो इको का मोड करेंगे। अब जैसे वो खेत में से लेके आ रहा है उसका अनुमान से कम है, जितना उसने लेके आना उससे कम है, तो उसको वहाँ पे 50 HP के ट्रैक्टर की जरूरत है, तो आप यहाँ पे इको प्लस मोड के यूज करोगे। अभी कस्टमर का क्या है कि गन्ने के खेत में यूज करना है पावर के लिए, तो वहाँ पे उसको 60 HP की जरूरत है, तो हमें ये 60 HP के लिए पावर में बटन को लगा सकता है वो। ठीक है सर, तीसरा क्या है, इस ट्रैक्टर में हमने पीछे वाला टायर 16 का दिया हुआ है, 16x28 का, और जो इसके टायर के साथ में हमारा व्ही वेट भी आते हैं सर, ये MRF के टायर है, वो मैन्युफैक्चर जो है अलग अलग का भी आ सकता है, बट इसमें मैन्युफैक्चर अपना MRF का टायर है व्ही वेट के साथ में। सर सर ये जो वेट आपने बताया कंपनी फिटेड हर, हाँ सर, जो हमारा 60 HP 65 HP और 75 HP का, इसके पिछले टायरों में आपको व्हील बेट आते हैं कंपनी की तरफ से, ये ऑप्शनल है, ये सर उसके ऊपर लिखा हुआ, हर के ऊपर वेट लिखा हुआ। इसमें दूसरा क्या है कि हमारी जो लिफ्ट की कैपेसिटी है 2200 kg की दी हुई है, 2200 kg में आप देखोगे ना ड्राइवर का जो है ना थिकनेस भी हमने मोटी कर दी है, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है सर, ये एसेसरी साथ में रहेगी ट्रैक्टर के ना, इधर आपका ड्राइवर मिलेगा, हिच मिलेगा और टॉपलिंग मिलेगा। दूसरा, कस्टमर को देखते ही हमने ऑक्सिलरी वाल्व डबल में दे दिया है, जिस कस्टमर को लेजर लोडर में चलाना पड़ता है उसको अलग से पाइप लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने डबल में दे दिया है। ये कैनोपी साथ में रहेगी सर, इसकी स्टैंडर्ड PDD कंपनी की तरफ से। अगर आप इधर देखोगे ना, तो आप बोल रहे थे कि कितने केजी का वेट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सर 34 kg का, 34 kg का, इसमें एक साइड में वेट लगा हुआ है, 62 kg हो गया सर, वो जो दोनों आप देख सकते हो। इसमें क्या आगे सर, इसमें हमने टेक्नोलॉजी दी है 12+12। कई कस्टमरों को यहाँ होता है कि उसको जब ट्रैक्टर खेत में चलाना आगे की तरफ, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, तो वो क्या करेगा, इस गियर को आगे की तरफ कर देगा, सेम गियर में उसको पीछे करना है, उसको उधर से चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस गियर को पीछे करना है, हाँ जी, उसी में जो आपने जो गियर लगा रखा है उसको पीछे की तरफ जाएगा। 12 है तो 24 गियर हो जाएगा सर, 12+12 है। इधर आप देखोगे ये लो का, मीडियम का, हाई का लीवर है, इधर आप देखोगे ये चेंजर है 1, 2, 3, 4 का। आप इसमें इस ट्रैक्टर में हम लोगों ने ना रिवर्स स्पीड को भी दिया है 540, जब आप लगाओगे इसको आगे की तरफ करोगे, और जब आप लोगों को रिवर्स घुमाना तो इस गियर को पीछे की तरफ करोगे। हमने कस्टमर के कंफर्ट को देखते हुए एडजस्टेबल सीट बना दी है, ये देखो कितनी समतुल्य आगे पीछे जा रही है, आगे पीछे आप आराम से कर सकते हो, ऊपर नीचे जो सर वो पीछे से वेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये आगे पीछे हो सकता है, कस्टमर के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। इधर देखो, देखो इन PTO के साथ में आपका रहेगा ट्रैक्टर, IPTO बोलते हैं हम लोग,
ये कलर आपका डबल कल्स का है, ड्यूल कल्स का नहीं है, आईपीटीओ के साथ में आया हुआ है। अगर अलग से कलर है, हाँ जी, आईपीटीओ के मॉडल में ये 4x4 ही रहेगा या ऑप्शनल? हम सर इसमें हमारा 60 HP का डायग्री में ऑप्शनल है, 2-व्हील ड्राइव भी है, 4-व्हील ड्राइव भी है, ठीक है ना सर। अब इधर मैं आऊंगा, ऊपर की तरफ आऊंगा तो आप लोग इधर देखोगे, फुली इलेक्ट्रिकल एक आपका मीटर रहेगा, ठीक है सर। ये इधर आपका मोड रहेगा, पावर मोड, इको प्लस मोड, इको मोड, इधर से आप उसकी पावर कम ज्यादा कर सकते हो। इधर आप देखोगे इसका डिफरेंशियल हाउसिंग दे रखा, डिफरेंशियल लॉक दे रखा हमने दोनों टायरों के, आपको अगर पावर बराबर करनी है कहीं पे कितना फंस जाता है उसको आप लगा सकते हो। इधर से आपका ये जो लीवर है ये 4-व्हील 2-व्हील ड्राइव के लिए है, इधर जो लीवर आपका 2-व्हीलर 4-व्हील ड्राइव के लिए। अब इसमें क्या रहेगा आपका दूसरा सर, एक मिनट सर, सर ना उसी नाम के दूसरा क्या है कि ये ट्रैक्टर जो अपना 4 सिलेंडर है 4712 cc, अभी तक किसी भी मैन्युफैक्चरर ने इतनी हॉर्स पावर के साथ में 4712 cc का कोई भी इंजन नहीं बनाया है, इतनी हॉर्स पावर में। एक फीचर इसमें ये भी है, दूसरा आप देखोगे इधर आगे की तरफ जैसे बैजिंग भी यहाँ हमें देखने को मिल रही है, 4D एयर कूलिंग सिस्टम, जैसे वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी वो टेक्नोलॉजी क्या है। हमारा डबल एक्टिव सिलेंडर रहेगा, पावर स्टीयरिंग का, इधर आप देखोगे दूसरी कंपनी में क्या होता है सिंगल का रहता, हमारे में यहाँ पे डबल का रहेगा। इधर आप देखोगे रेगुलेटर का, हमने जाली लगा दी है, जब किसान भाई को रिपेयर वगैरह में चलाता तो भूसा वगैरह ना आ जाए, इसके लिए हमने रेगुलेटर के आगे जाली लगा दी। हाँ जी, इधर आप देखोगे हीट गार्ड लगा दिए हैं ताकि गर्म हवा पीछे की तरफ ना जाए। इधर आप देखोगे ये जो आपका एयर क्लीनर और ड्राइव है, सुक्का एयर क्लीनर, इस ट्रैक्टर की सर्विस जो है पहली 50 घंटे में करानी है, उसके 500 घंटे के बाद आपकी ट्रैक्टर की सर्विस होगी। अच्छा टाइम है जी, अच्छा टाइम है जी, 500 घंटे का, ठीक है। कस्टमर को सर्विस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, और जो हमारा बैटरी बॉक्स है ये साइड में रहेगा, ठीक है जी। सर अभी वारंटी जो हमारा फाइनल लेवा 2 साल का है, हम लोग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर 5 साल की लेके जा रहे हैं, बट अभी तक 2 साल की कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट का जैसे रुझान आएगा, डिमांड आएगी, उसको हम आगे करेंगे। तो सर इसकी कुछ प्राइस डिटेल से आप बता सकते हैं? BS3 में ही है ये सर, ये अभी BS4 में है। कब से इम्प्लीमेंट होगा रेगुलर सर? अभी जो हमने 3 मॉडल बनाए हैं, टाइगर DI-60, टाइगर 65 और टाइगर 75, ठीक है सर, ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है सर। अभी हम आपको अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा सर। प्राइस रेंज आप सर, इस ट्रैक्टर की प्राइस रेंज जो है ना वो 12 लाख रुपए है, 4-व्हील ड्राइव की, साथ में आपके एसेसरी में कैनोपी रहेगी, पीछे आपकी ड्राइवर रहेगी, ट्रॉपलिंग रहेगा, हिच रहेगा, वो साथ में रहेगी सर। सर आप जैसे मेले के उपलक्ष्य में कोई एक्स्ट्रा छूट? सर वो एक बार मैनेजमेंट से डिस्कशन करके, जो भी कस्टमर ट्रैक्टर को लेना चाहेगा ना तो हम मैनेजमेंट से एक स्पेशल अप्रूवल लेके उसको छूट दिला सकते हैं जी सर। सर आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? सर मैं हरियाणा सर्विस टीम में देखता हूँ, आप टोल फ्री के ऊपर कॉल करोगे तो हमारा टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-102-10-11, तो वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो सर आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स के साथ, किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।